Good morning, dear students. Good morning, dear students. Welcome to ME 301 class. आज का टॉपिक है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में 2.6 का एलोकेशन कॉस्ट ओवरहेड या ओवरहेड एक्सपेंसेस का पार्ट 4। इससे पहले हमने एलोकेशन ऑफ ऑन कॉस्ट ओवरहेड एक्सपेंसेस की महत्वपूर्ण विधियों को अध्ययन कर लिया था। दोबारा मेमोराइज करें अपन, तो पहली विधि पढ़ी थी अपन ने परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, दूसरी विधि पढ़ी थी परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तीसरी विधि पढ़ी थी परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, चौथी पढ़ी थी मैन आवर रेट, पांचवी पढ़ी थी मशीन आवर रेट, छठी पढ़ी थी कॉम्बिनेशन ऑफ मैन आवर एंड मशीन आवर रेट, सातवीं पढ़ी यूनिट रेट मेथड। सात तरह के कॉस्ट निर्धारण के प्रक्रिया थी, उनका हमने डिटेल में अध्ययन किया था किस प्रकार से की जाती है, ठीक है उनके। आज इसी के कंटिन्यूशन में कुछ खर्चे हैं जो एडिशनल खर्चे हैं जिनको हम कंसीडर नहीं किया है, उनको टेबुलेट करके आपको बताते हैं। टेबुलेशन के अंदर किस प्रकार से या किस टेबल के अंदर जितने हेड्स हैं जो पेड किए जाते हैं वो किसके अंदर कंसीडर किया जाते हैं, उनको दर्शाया गया है। वन बाय वन से डिस्कस कर लेते हैं। वेजेस पेड टू इनडायरेक्ट वर्कर्स जैसे रिपेयर गैंग, फोरमैन, वॉचमैन एंड वार्ड स्टाफ, इन सबको फैक्ट्री ओवरहेड किया। ये वे वर्कर हैं जिनको पहले कंसीडर नहीं किया गया है लेकिन इनकी भी आवश्यकता में पड़ती है, तो इनको फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कंसीडर करते हैं। दूसरा वर्कर्स कैंटीन एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस, जो आदमी कैंटीन के अंदर लगे रहते हैं या वेलफेयर सर्विसेज के अंदर लगे रहते हैं उनको भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कंसीडर करते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के साथ को सहयोग प्रदान करते हैं उनको भी फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री का किराया भी फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री की लाइटिंग भी फैक्ट्री ओवरहेड में, पानी की सप्लाई, पावर की सप्लाई, फ्यूल की सप्लाई जैसे कोल है, गैस है, फर्नेस ऑयल है, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट फैक्ट्री, इनको भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी टूल्स एंड देयर रिपेयर्स, इनको भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, कंज्यूमेबल स्टोर इन फैक्ट्री सच एज कॉटन वेस्ट ग्रीस, जब फैक्ट्री एड में, चार्जेस फॉर टेलीफोन इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री, ये सब फैक्ट्री एड के अंदर, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस फॉर ब्रिंगिंग मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स, कॉस्ट फॉर आइडल टाइम ऑफ वर्कर्स विच कैन नॉट बी चार्ज ऑन एनी प्रोडक्ट, कॉस्ट फॉर एनी मटेरियल विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज, ये सब फैक्ट्री एड के अंदर, मतलब लगभग 13 स्टेप मद ऐसे दिखाए हैं जो फैक्ट्री एड के अंदर है। अब सैलरी जो जनरल मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, सेक्रेटरी एंड स्टाफ, इनको ऑफिस रेंट टू रेंटेड और रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस, लाइट एंड पावर रिक्वायर्ड फॉर ऑफिस, बैंक चार्जेस, टेलीफोन, इंटरनेट,
पोस्टल चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस प्रेमाइसिस एंड एक्यूमेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी और ऑफिस एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन ऑडिट, एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन लीगल सेक्शन, ये समस्त खर्चे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सैलरी ऑफ दी सेल्समैन और उसका स्टाफ, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन एंड अदर फैसिलिटीज फॉर सेल्समैन, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, शोरूम एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग ऑफ कैटलॉग, प्राइस रेट लिस्ट, पैकिंग कैरिज चार्जेज, इंश्योरेंस ऑन फिनिश गुड्स, शोरूम गुड्स इन ट्रांजिट गुड्स इन गोडाउन, एक्सपेंसेज ऑन डिलीवरी वैन इंक्लूडिंग ऑपरेशन मेंटेनेंस रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन, टेलीफोन, पोस्टल एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेज इंक्योर्ड, रिकवरी फॉर डेबिट्स, रिपेयर फॉर कस्टमर, ये सारे के सारे कार्य जो है चार्जेज जो है सेलिंग एक्सपेंसेस। अब आपने देखा ये तीनों को कैटेगराइज करके अलग अलग टेबलेट कर दिया गया है। पहला किया आपको फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा किया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तीसरा किया सेलिंग एक्सपेंसेस। फैक्ट्री से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे हुए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ओवरहेड्स में आएंगे, और सेलिंग से कंसर्न रखने वाले सारे सेलिंग एक्सपेंसेस से कनेक्टेड रहेंगे। कुछ विशेष केसेस में और जो कंसिडर किए जाते हैं वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये प्रॉफिट ये का पार्ट है, इसे क्वेश्चनिंग के लिए इग्नोर किया जाता है। मैं इनकम टैक्स में क्या है, जितनी कमाई होगी उस हिसाब से होगा, इसलिए कॉस्टिंग के लिए इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेग्राउंड्स, वर्कर्स के लिए, स्टाफ्स के लिए, खेलने के लिए, वेलफेयर की एक्टिविटीज़ के लिए, परमानेंट नेचर का जो कोई प्लेग्राउंड वगैरह बनाना है, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज का जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कंसिडर किया जाता है। प्राइम कॉस्ट शुरुआत के किया जाता है। इस प्रकार की फैसिलिटी से लाभान्वित होने वाले आदमियों की संख्या के अनुसार अनुपातिक तौर से ये फैक्ट्री ओवरहेड में डेप्रिसिएशन तथा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तथा सेलिंग ओवरहेड से किया जाता है। मतलब मेन अगर कोई प्लेग्राउंड बनाया जाता है तो फैक्ट्री की मेन कैपिटल से में कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगर बाद में अगर उसका रिपेयर और मेंटेनेंस या डेप्रिसिएशन जो होता है उसका अगर कार्य किया जाता है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड्स रेस्पेक्टिवली किया जाता है। तीसरा आता है पे फॉर हॉलीडे, छुट्टियों के लिए जो ऑफिस स्टाफ की पे को ऑफिस एक्सपेंसेस से तथा फैक्ट्री जो डायरेक्ट वर्कर की पे है डायरेक्ट वेजेस से हॉलीडे की केयर करते हुए इन्फ्लेशन ऑफ पे को कंसिडर किया जाता है। मतलब जो परमानेंट वर्कर है उनकी सैलरी तो इन्फ्लेशन ऑफ पे से कंसिडर करेंगे और इनडायरेक्ट वर्कर और फैक्ट्री ओवरहेड्स के चार्ज से किए गए। शिफ्टिंग एंड एक्यूमेंट और प्लांट, मान लिया कोई प्लांट को शिफ्ट करना हो या मशीनरी को शिफ्ट करना है तो वो कैपिटल पे जाएगा, मेन कैपिटल पे जाएगा, इसकी आवश्यकता होती है। इसे किसी भी हेड में चार्ज नहीं किया जा सकता, परंतु इसे प्रॉफिट या लॉस से घटाया जाएगा।
नेक्स्ट आता है इंस्टॉलिंग न्यू प्लांट। अगर नया प्लांट अगर डालना होता है तो वे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, इसको प्रत्येक वर्ष में डेप्रिसिएशन के रूप में क्रेडिट किया जाएगा। नया प्लांट डालना है तो प्रत्येक वर्ष के उसके जो डेप्रिसिएशन है उसका क्रेडिट कर दिया जाएगा। डिसमेंटलिंग ऑफ द प्लांट, प्लांट को सेल्स प्रोसेस, धन के लिए वस्तुओं का विवरण करने को फाइनल गेन या लॉस की पहचान होने के पश्चात ही इसे प्रॉफिट या लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करनी चाहिए। डिसमेंटलिंग, अगर प्लांट को डिसमेंटल करना है तो प्रॉफिट और लॉस से ट्रांसफर करना है। ड्राइंग ऑफिस, इस ऑफिस में ड्राइंग का कार्य हेवी होता है, तब ड्राफ्टमैन का कार्य किसी भी कंसर्न के लिए डायरेक्टली बुक हो वहाँ पर इसे ड्राइंग ऑफिस के द्वारा जनरली सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस पर किया गया खर्च प्रोडक्शन ओवरहेड में शामिल किया जाता है, मतलब ड्राइंग का खर्चा जो है प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर। मार्केट रिसर्च, ये आइटम सेलिंग ओवरहेड का है। जब किसी विशेष उत्पाद के लिए मार्केट रिसर्च किया जाता है तो इस पर होने वाले एक्सपेंसेस को डायरेक्टली प्रोडक्ट के चार्ज से किया जाता है। नेक्स्ट आता है आफ्टर सेल्स सर्विस, और आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए एम्प्लॉयड की गई स्टाफ का सैलरी खर्चा इसमें इंक्लूड होता है। इसमें आइटम प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए पश्चात वारंटी पीरियड्स के द्वारा किसी प्रकार का रेक्टिफिकेशन अगर का किया जाता है तो उसका खर्च को उत्पाद की कॉस्ट के हिस्से में के रूप में शामिल किया जाता है, इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट के हिसाब। हालांकि कुछ अंडरस्टैंडिंग या अंडरटेकिंग में आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंसेस को सेलिंग ओवरहेड्स में शामिल किया जाता है, कुछ एक है कंपनियां जो सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर कंसिडर कर लेती है। इनको अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोपोर्शनल प्रूफ से बांट दिया जाता है, सेल्स के पश्चात बांट दिया जाता है। ये कुछ टाइपिकल केसेस थे जिनकी आवश्यकता होती है। जो एक बार रिपीट कर लें, पहला इनकम टैक्स, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेग्राउंड, पे फॉर हॉलीडेज, शिफ्टिंग ऑन इक्विपमेंट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट, डिसमेंटलिंग ऑफ न्यू प्लांट, डिसमेंटलिंग ऑफ प्लांट, ड्राइविंग ऑफिस, मार्केट रिसर्च, आफ्टर सेल्स सर्विस, इत्यादि। धन्यवाद।